जीवाणु से होने वाला यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग तो हैजा, टीबी, कुकुर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस। विषाणु से होने वाला रोग एड्स, चेचक, पीलिया, हिपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से देख लेते हैं, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अब देखते हैं फफूंद से होने वाला रोग, दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूट, ये सब फफूंद से होने वाला रोग है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों की खोज नदियों के किनारे हुई, उनके नाम और नदी इस प्रकार हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के, कालीबंगा, घग्घर नदी, रोपड़, सतलुज नदी, आलमगीरपुर, हिडन नदी, कुनाल, सरस्वती नदी, बनवाली, सरस्वती नदी, चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के नगर तथा उनके खोजकर्ता हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, लोथल, रंगनाथ राव, कालीबंगा, ब्रजवासी लाल अमलानंद घोष, बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट और रोपण यक्षदत्त शर्मा, चन्हुद्रो गोपाल मजुमदार ने खोज किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी तरह का शॉर्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।